विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम हमारे जो ओपिनियन पुस्तक है उसके जो सामान्य भूगोल के जो प्रश्न है उन पर हम चर्चा कर रहे थे, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बाकी के जो प्रश्न है उन पर आज बात करेंगे। अब तक हम जो है क्लास के अंदर कुल 80 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, और आज एक नया जो टॉपिक जो है हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें जो है प्रारंभ हो रहा है, और वो है आपका पर्यावरण संरक्षण। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 81। वर्तमान विश्व किन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है? देखिए, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो आज जिस गति से हम विकास कर रहे हैं तो उसके अंदर एक मापक यह भी जुड़ गया है कि जो विकास का जो दौड़ है उसमें आपको क्या है पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका भी क्या है ध्यान रखना होगा, तभी क्या एक संतुलित विकास होगा, तभी क्या है एक सतत विकास होगा। वरना ऐसा विकास जिसमें इस इन समस्याओं की या पर्यावरणीय हानि की उपेक्षा की गई है वो क्या है कभी भी सतत नहीं होगा, यानी वो त्वरित लाभ तो पहुंचा सकता है लेकिन दीर्घकालीन रूप से उसके क्या है नुकसान ही होंगे। तो उसी संदर्भ में बहुत सी समस्याएं जो आज विश्व के सामने है, जिसमें सबसे पहली है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्या इसके मानव पर प्रभाव है, इन सभी की चर्चा हम आगे के प्रश्न में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए, पृथ्वी पर जो है सूर्य से किरणें आती हैं, मान लीजिए सूर्य है, इससे क्या है बहुत सी किरणें आती हैं, और ये क्या है बाद में इन किरणों का क्या हो जाता है परावर्तन, यानी पुनः ये क्या है आकाश में चली जाती है। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल जो पाया जाता है वहां कुछ ऐसी गैसें पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस का काम क्या होता है, ये गैसेस जो है ये जो किरणें जो जा रही है, जो सूर्य की जो किरणें है, ये जो ताप जो निकल रहा है इसको क्या करती है वो अवशोषित करती है, और काफी महत्वपूर्ण भी है ये गैसें, क्योंकि इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान जो है बना रहता है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये जो ये गैसेस है अगर ये नहीं होगी ग्रीन हाउस गैसेस तो इससे क्या होगा, ये किरणें जैसे आ रही है वैसे क्या वापस चली जाएगी, तो इससे क्या पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। लेकिन क्या है कि ये गैसेस को जो है अवशोषित कर लेती है। लेकिन एक मात्रा तक तो ये ठीक था कि ये काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है जैसे CO2 है, जैसे मीथेन है या जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इन गैसों की मात्रा क्या है धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है। अब क्या होता है कि जब जैसे इन गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या है बहुत ज्यादा और ज्यादा क्या है इन जो सूर्य किरणें इनको क्या अवशोषित करेगी, तो इससे जितना हमें तापमान चाहिए उससे कहीं ज्यादा पृथ्वी पर जो है अब्सॉर्ब होगा, और इससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है जो 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है उसमें क्या है बढ़ोतरी होगी। अब अगर तापमान में बढ़ोतरी होगी तो इससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो है पूरी पृथ्वी का जो क्लाइमेट जो सीनेरी है वो क्या है बदल जाएगा, इससे जो ध्रुवों पर जो है बर्फ है वो क्या है पिघल जाएगी, समुद्रों का जल स्तर क्या है बढ़ेगा। तो ये ऐसे बहुत से खतरे जो है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो है देखे जाते हैं। अगला है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण क्या होता है, हमें पता है कि पृथ्वी के 30 से 32 किलोमीटर पर एक परत पाई जाती है, एक गैस पाई जाती है जिसको बोला जाता है ओजोन गैस। अब क्या होता है कि ये जो गैस है यह हालांकि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है लेकिन ध्रुवों पर तो इसकी ऊंचाई बहुत ही कम हो जाती है, और वो लगभग जो है 8 किलोमीटर तक ही आ जाती है। अब होता क्या है कि ये जो ओजोन गैस है इसको सर्वाधिक नुकसान होता है क्लोरीन गैस से, और क्लोरीन के जो स्रोत है वो CFC, HFC और भी कई गैसें हैं जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो अब होता क्या है कि ये जो गैसें होते हैं जो CFC जो रेफ्रिजरेटर या जो शीत प्रक्षेपक है इनके अंदर ये गैसें क्या है पाई जाती है, तो इन गैसों से क्या होता है कि इस ओजोन परत को नुकसान होता है, और इस ओजोन परत का काम क्या होता है, ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाले जो हानिकारक जो पैरामैग्नेटिक किरणें हैं उनसे क्या है मानव की रक्षा करती है। अगर ये परत यहाँ पर नहीं होती तो उससे क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर जीवन पनपाना में क्या है संभव नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा होता कि इस पर क्या है मानव जीवन संभव नहीं होता। तो एक रक्षा कवच के रूप में ये क्या है पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण ये जो गैसेस है इनकी मात्रा क्या है बढ़ रही है, और इस कारण जो है ओजोन परत का निरंतर जो है ह्रास हो रहा है। ओजोन क्षरण क्या होता है कि ओजोन के अंदर जो मात्रा में कमी, 1985 के अंदर फर्मन ने सबसे पहले जो है अंटार्कटिका पर क्या है ओजोन क्षरण का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि जो अंटार्कटिका है वहां पर क्या है ओजोन क्षरण में क्या है एक प्रकार से छेद हो गया, यानी यहाँ पर मात्रा जो है काफी कम हो गई,
अब प्रश्न ये उठता है कि जो ओजोन क्षरण है वो अंटार्कटिका पर क्यों हुआ, तो इसका कारण ये है कि पहला तो हमने देखा कि जो ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर केवल और केवल 8 किलोमीटर होती है, जबकि अन्य जो मंडल है वहां पर क्या है समताप मंडल के अंदर जो है 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। दूसरा ये होता है कि ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है क्लोरीन गैस, क्लोरीन का एक अणु जो ओजोन है उसके 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है, लेकिन इनकी अभिक्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो क्या होनी चाहिए, तापमान बहुत ज्यादा कम होना चाहिए यानी 0 डिग्री से नीचे होना चाहिए, तभी ये क्या आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ये जो स्थिति है ये इसको जो है ध्रुवों पर ही मिलती है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले जो ध्रुवों पर जो है ओजोन का क्षरण होता है। हालांकि अभी कुछ वर्षों से ऐसा जो न्यूज आई है कि इसका जो ये जो ओजोन होल है ये क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, और इनको अगर ऐसे ही अपने कंट्रोल करते गए तो क्या है एक दिन जो है ओजोन क्षरण की समस्या जो क्या है समाप्ति हो जाएगी। तीसरा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये मुख्यतः सल्फर के कारण होती है कि जब वायु के अंदर सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर का स्रोत हमें पता है जो वाहनों से निकलने वाला जो ईंधन है जो धुआं उससे क्या सल्फर गैस जो है उत्सर्जित होती है, यही सल्फर क्या है बाद में जब जो जलवाष्प में मिलती है तो क्या बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तब इसको क्या बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड रेन इसको जो है बोला जाता है। और ये जो रेन होती है ये जो प्राचीन जो इमारतें होती है जैसे कि ताजमहल है तो इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है हानिकारक होती है। तो ये कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनकी तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं, तो इनसे क्या है काफी अभी जो है पर्यावरण को नुकसान है। अगला हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जो है किसे कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन वास्तव में क्या है कि जो जलवायु का जो पैटर्न है उसमें क्या है परिवर्तन हो रहा है और जो क्या है सही नहीं है प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, यानी इसके दो कारण हो सकते हैं या तो जो है नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं या जो है ह्यूमन कॉजेस भी हो सकते हैं, सिर्फ जलवायु के वैश्विक या क्षेत्रीय पैटर्न में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। यानी जलवायु का जो पैटर्न है उसमें क्या है परिवर्तन हो रहा है, अभी मान लीजिए कहीं पर अधिक बारिश होती थी तो अब वहां सूखा पड़ रहा है, कहीं पर जो है पहले सूखा होता था तो वहां क्या अभी क्या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति हो रही है, तो ये सारा जो कारण है ये किसके कारण है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण होता है वर्तमान में। और इसका कारण क्या है ग्रीन हाउस गैसेस के, वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो CO2 है HCFC है मीथेन है इन सभी गैसों की अधिकता जो है बढ़ती जा रही है, और इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान जो है बढ़ रहा है। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा कि मान लीजिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस ये अगर 1-2 डिग्री बढ़ जाता है तो इससे बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होंगे, इससे क्या होगा कि ध्रुवों पर जो बर्फ है वो क्या होगी पिघलने लग जाएगी, अंटार्कटिका के अंदर जो ग्रीनलैंड के अंदर जितनी भी बर्फ है वो क्या पिघलेगी, अब जब बर्फ पिघल के जो है पानी बन जाएगी और पानी कहां पर पहुंचेगा समुद्रों के अंदर पहुंचेगा, तो समुद्रों का जो जल स्तर है वो क्या है ऊंचा आना प्रारंभ होगा, और अगर जो बहुत ही कम ऊपर आ जाता है जैसे मान लीजिए 1 मीटर या 1.5 मीटर तक ही अगर ऊंचा हो जाता है तो जितने भी तटवर्ती नगर है चाहे आप मुंबई ले लो चाहे आप न्यूयॉर्क ले लो चाहे आप ढाका ले लो या जितने भी जो तटवर्ती नगर है वो सभी क्या है जलमग्न हो जाएंगे डूब जाएंगे, तो ये बहुत विकराल जो है समस्या है जलवायु परिवर्तन की, और बहुत सारे देश इस संदर्भ में मिल भी रहे हैं वार्ताएं भी कर रहे हैं, भारत भी जो है इसके लिए जो है प्रतिबद्ध है, और अभी जो कई सम्मेलन हुए थे उसमें भारत ने अपनी ये प्रतिबद्धता जो है दिखाई भी है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम जो क्या है स्वीडन की राजधानी है यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो पर्यावरण के संदर्भ में जो है अपनी तरह के एक पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर जो है 5 जून को UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये वर्तमान में जो है पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च जो है निकाय है संयुक्त राष्ट्र के एक जो है कार्यकारी निकाय के रूप में ये क्या है काम करती है। यूएनएपी का जो है इस स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर 5 जून को गठन किया गया था और उसी की संगति के अंदर प्रतिवर्ष जो है 5 जून को यानी 5 जून 1973 से लेकर जो है अब तक जो है ये क्या है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। 2022 के अंदर जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ
ओनली वन अर्थ के साथ जो है इसको जो है मनाया गया। तो काफी जो ये महत्वपूर्ण है पर्यावरण जागरूकता के संबंध में विश्व पर्यावरण दिवस। आगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अगर पर्यावरण संरक्षण के इतिहास की बात की जाए तो उसमें जो रियो सम्मेलन है उसका अपने आप में बहुत बड़ा जो है नाम आता है। ये एक ऐसा प्रयास था जो वैश्विक स्तर पर जो है पर्यावरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम इसको जो है माना जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब व किस शहर के अंदर आयोजित किया गया था? तो हम जानते हैं 3 से 14 जून 1992 के अंदर ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो जो शहर है वहां पर जो है पहली बार जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये 1992 की है जब जो है कई देश जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जो है पर्यावरण के संदर्भ में सभी आयामों पर जो है यहाँ पर इन्होंने बात की थी। लगभग 154 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें क्या है भाग लिया था। और ये जो सम्मेलन है इसमें काफी जो है कई दुर्गम में इसके प्रभाव हुए। एक तो इसके अंदर UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका जो है गठन किया गया और ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष जो है सी जो UNFCCC है वो COP के नाम से क्या है प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन बुलाएगा और ये सम्मेलन जो है आज भी होते रहते हैं। और दूसरा जो है एक घोषणा की गई थी एजेंडा 21 की कि आने वाले जो 21वीं शताब्दी है वो कैसे रहेगी उनमें क्या काम करना है उनके लिए क्या एजेंडा जो है निर्धारित किया गया था एजेंडा 21 के अंदर। तो इस कारण जो ये सम्मेलन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगला हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP 21 और COP 26 किस किस वर्ष जो है आयोजित हुए थे। सीओपी की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। तो सीओपी सम्मेलन हमें पता है कि 1992 का जो रियो समिट था उसमें UNFCCC का गठन किया गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो इसका गठन किया गया था और यही क्या है सीओपी के नाम से जो है प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो उसमें जो COP 21 है वो काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और ये कहा गया कि जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है बढ़ने नहीं देना, जो इसकी जो बढ़ोतरी हो रही है उसको जो है यहीं पर जो है सीमित करना है। ये जो COP 21 है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ था 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक ये सम्मेलन क्या है आयोजित किया गया था। उसके बाद जो है COP 26 की बात की जाए तो ये ग्लासगो यानी कि ब्रिटेन के अंदर आयोजित हुआ था और 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक जो है ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। आलोक वर्मा जो है इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में भी भारत ने भी जो है अपना पक्ष रखा था और इसके प्रति जो है अपनी जो क्रमबद्धता है यानी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उसके बारे में भी क्या है अपनी जो प्रतिबद्धता वो क्या है दोहराई थी। इसके बाद अगर अपने बात करें 2022 में तो जो 2022 का जो COP 27 है वो आयोजित किया गया था मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में। और 2023 के अंदर जो है ये जो सीओपी है इसका आयोजन करने की घोषणा जो है यूएई के अंदर जो है हो चुके हैं यानी यूएई में ये होना जो है संयुक्त अरब अमीरात में ये सम्मेलन होना प्रस्तावित है। अगला जो हमारा एक नया विषय हम कह सकते हैं कि प्रारंभ हो रहा है। अब तक हमने जो चर्चा की जो भूगोल विषय के संदर्भ में और दूसरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थी, अब हम जो है आज से जो है भारत का भूगोल इसे हम जो है प्रारंभ करेंगे। बात करते हैं आज के जो भारत का भूगोल है उसके पहले प्रश्न की, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है लिखिए। हम जानते हैं कि भारत जो है अगर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा जाए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध तो उसमें तो भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा अगर पृथ्वी को इस प्रकार बांटा जाए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तब भारत आता है पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार अपने देखें तो भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दूसरी बात आती है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत जो है 8-4 यानी दक्षिण में 8-4, 8 डिग्री और 4 मिनट और पूर्व में जो है 37 डिग्री और 6 मिनट, 8-4 से लेकर और 37-6 तक, ये तो है भारत का अक्षांशीय विस्तार।
बात करते हैं भारत के दशांतरीय विस्तार की, तो ये है 68 सात से स्थान में 2-5 स्थान में मिनट और जो है 2-5 मिनट स्थान में डिग्री और 95 मिनट, तो ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। अब अगर अपने बात करें बाकी अक्षांशीय विस्तार की, तो यहाँ अगर दोनों का अंतर देखें तो लगभग जो है 29 डिग्री का अंतर आ जाता है, और दूसरा अगर अपने बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की तो दोनों में जो है 28 डिग्री का अंतर आ जाता है, और हमें पता है कि 1 डिग्री जाने पर जो है 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस प्रकार अगर देखें भारत का पश्चिम से पूर्व तक का जो हिस्सा है इसके अंदर जो है लगभग जो है 2 घंटे का समय का अंतर आ जाता है, तो ये भारत का जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। और भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भारत जो है भूमध्य की ये जो मुख्य भूमि है इससे जो है 876 किलोमीटर दूर है, और कर्क रेखा हमें पता है भारत के लगभग जो है मध्य से ये रेखा गुजरती है, इस पर भी अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जो है विस्तार लिखिए, यानी भारत उत्तर से दक्षिण भारत की क्या लंबाई है और पूर्व से पश्चिम भारत की क्या लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण यानी यहां से लेकर और यहां तक की बात की जाए तो ये जो भारत की लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, और जब हम बात करें इधर पूर्व से लेकर और पश्चिम तक यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात के पोरबंदर तक, तो यहां तक जो भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। इस प्रकार अपने देखें तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। इनके सिरों की बात करें तो यहाँ जो सबसे नीचे जो पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि के सबसे नीचे वो है आपका केप कोमोरी, केरल में है केप कोमोरी। उत्तर की बात की जाए तो यहाँ जो सबसे उच्चतम जो भारत का बिंदु है वो है इंदिरा कोर। भारत के सुदूर पूर्वी के भाग की बात की जाए तो यहाँ जो सबसे बॉर्डर पर जो स्थित है वो बिंदु है इबिथू, और भारत के सुदूर पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ जो बिंदु है वो है गौर मोती गुजरात के अंदर है। तो ये भारत के दक्षिण उत्तर पूर्व और पश्चिम सुदूर बिंदु जो है भारत में स्थित है। एक इंदिरा पॉइंट भी था जो और भी दक्षिण के अंदर स्थित था, वो क्या है 2004 के सुनामी के बाद जो है डूब गया। तो ये भारत का जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है। अगला हमारा प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.43% है। अपनों ने बात की थी कि कुल जो पृथ्वी है उसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उसमें से जो है 14.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो आपका आता है स्थल भाग, और जो है 36.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका आता है जल भाग। तो ये जो 14.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका अगर 2.43% निकाले तो वो हो जाएगा 32 लाख हो जाएगा, जो कि क्या है भारत का क्षेत्रफल है। ये तो था इसके अंदर क्षेत्रफल के अंदर। दूसरा है अगर वर्ग मील की बात की जाए तो वो हो जाएगा 12,69,212 वर्ग मील। अगर पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है तब तो इसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर पूछा जाए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो वर्ग मील के अंदर कितना है तब इसका आंसर हो जाएगा 12,69,212 वर्ग मील। आगे है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर अपने देखें तो भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है, जो क्या है कुल विश्व का जो 2.43% है। अगर विश्व के 7 बड़े देशों की बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार तब क्या होगा, सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, पांचवें नंबर पर जो देश आएगा वो आपका है ब्राजील, और छह नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर अपना भारत। ये तो था वर्गीकरण क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार ये जो है विश्व के 7 बड़े देश हैं, लेकिन जब बात की जाए जनसंख्या की पॉपुलेशन की तब क्या होगा कि सबसे पहले नंबर पर हम जानते हैं कौन सा देश है, चीन है,
और दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? भारत का, जहां कुल विश्व की 17.6% जनसंख्या जो है रहती है। यानी देखिए कि विश्व के हर प्रत्येक पांचवें आदमी में से लगभग जो है एक आदमी कहां से होगा? भारत से होगा। तो दूसरे नंबर पर अपना आ जाता है भारत। तीसरे नंबर पर आ जाता है यूएसए। चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पर जो है पाकिस्तान। तो ये तो है जनसंख्या के अनुसार पांच सबसे बड़े देश, और ये है क्षेत्रफल के अनुसार पांच सबसे बड़े देश। भारत की बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार सातवां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के अनुसार जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है देश है। और हम जानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 8 अरब जो है पार कर चुकी है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की कुल सीमा, कुल सीमा की बात की जाए तो ये जो स्थलीय सीमा है ये, और इसके साथ जो है ये जो जलीय सीमा जो यहां से प्रारंभ होती है ये क्या है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो तो है 15,200 किलोमीटर, और अगर इस जलीय सीमा की बात की जाए तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। यानी भारत की जो कुल सीमा है वो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल जो है सीमा, जिसमें स्थलीय सीमा भी आती है और जलीय सीमा भी आती है। बात करें अपने स्थलीय सीमा की तो 15,200 किलोमीटर है वो क्या है, 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यहाँ से अगर अपने बात करें तो इधर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, फिर इधर जो है अफगानिस्तान, उसके बाद जो है चाइना, उसके बाद जो है नेपाल, फिर जो है भूटान, और अंत में आपका है म्यांमार, और सबसे लास्ट में इधर जो है बांग्लादेश। तो इन 7 देशों के साथ भारत अपनी जो स्थलीय सीमा जो लगभग 15,200 किलोमीटर की वो क्या है, साझा करता है। उसके बाद है जलीय सीमा के, जो इधर गुजरात से प्रारंभ होकर इधर जो है पश्चिम बंगाल तक है, इसकी कुल जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है, और इसके साथ 2 देश सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा लगती है एक तो आपका यहाँ पर है ये श्रीलंका, और दूसरा जो है इधर एक छोटा सा देश है द्वीपीय देश है मालदीव। तो ये 2 देश जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा क्यों दी जाती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम लिखिए। देखिए भारत, कई बार आपने सुना होगा कि भारत के लिए जो है भारतीय महाद्वीप का उपमहाद्वीप का यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो महाद्वीप होता है वो एक तो बहुत ज्यादा विविधता में होता है, वहां पर्वत पठार मैदान हिमनद जो जितने प्रकार के जो जलराशि हैं वो सभी क्या है पाए जाते हैं। तो अगर उन विशेषताओं के आधार पर भारत को हम कंपेयर करें तो वो सारी विशेषता जो एक महाद्वीप के अंदर पाई जाती है वो सारी विशेषता हमें जो है भारत के अंदर मिल जाएगी। इस कारण जो है भारत को एक जो है लघु महाद्वीप या इसको जो है उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के उत्तर की अगर अपने बात करें तो यहाँ जो है विशाल पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ जो है विशाल हिंद महासागर स्थित है। पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम के अंदर क्या है अरब सागर है। तो ये जो स्थिति है ये इसको जो है उपमहाद्वीप बनाती है। और दूसरा एक महाद्वीपों की एक बहुत ही अनूठी विशेषता होती है कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी जो भाग होता है वहां जो है 20 से 40 डिग्री जो अक्षांश होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। तो ये सेम विशेषता भारत में भी पाई जाती है। भारत के जो है जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर क्या है मरुस्थल जो है पाया जाता है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सारे जो विशेषताएं जो एक महाद्वीप के अंदर होनी चाहिए वो क्या है भारत के अंदर पाई जाती है। इस कारण जो है भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव देश जो है इसके अंदर शामिल है। और हम जानते हैं कि भारत वास्तव में क्या है कि एशिया का हिस्सा नहीं था। भारत जो है दक्षिण से आई थी इंडियन प्लेट, वो आके जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर टकराए, उसके बाद जो है जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। तो ये जो हिस्सा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है इतना इतना इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, इसको जो है बोला जाता है। और ये पूरा जो है इंडियन प्लेट है जो क्या है दक्षिण से आकर और ये जो यूरेशियन प्लेट थी इसके अंदर टकराई, और इससे के टकराव से क्या हुआ कि बलन हुआ और इससे क्या हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस सभी को जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है कहा जाता है। और इसके नीचे जो जस्ट जो महासागर है उसका नाम भी जो है भारत के नाम पर ही पड़ा है, इंडियन ओशियन जिसको जो है बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, असमान तटीय उभारों को मिलाने वाली रेखा जिसे क्या बोला जाता है, आधार रेखा कहा जाता है। उसके बाद है आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा,
संलग्न क्षेत्र तथा अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसकी हमें क्या है दूरी बतानी है। अब देखिए ये जो भारत की रेखा है इसको अपने यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए क्योंकि तट क्या है बिल्कुल स्ट्रेट में तो होते नहीं, वो किस प्रकार के होते हैं इस प्रकार कटे फटे होते हैं। तो ये जो जितने आसमान उभार है इन सभी को अपने ऐसे मिलाएंगे तो इससे जो रेखा बनेगी उसको क्या बोलेंगे आधार रेखा यानी बेस लाइन इसको जो है बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आधार रेखा है इससे अगर अपने 12 नॉटिकल मील चलेंगे, 12 नॉटिकल मील एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, और जब बात करें नॉटिकल मील की यानी समुद्री मील की तब होता है 1.8 किलोमीटर। तो जब इस आधार रेखा से हम 12 किलोमीटर चलेंगे, 12 नॉटिकल मील चलेंगे तो वो जो रेखा होगी यानी ये जो एरिया होगा आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक का एरिया उसे बोला जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी बोला जाता है जो कहां से होता है आधार रेखा से 12 जो नॉटिकल मील है उससे आगे रहता। उसके बाद अगर अपनी और 12 नॉटिकल मील चले यानी कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील और वैसे क्या है 12 नॉटिकल मील, तो उसके आगे का जो हिस्सा होगा उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, विच्छिन्न मंडल या इसको बोला जाता है कॉन्टिग्युअस जोन, कॉन्टिग्युअस जोन ये होता है आगे जैसे 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, और उसके बाद इस 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल माइल तक ये जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है ईईजेड यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ जो 12 किलोमीटर तक का हिस्सा है यानी आधार रेखा से जो 12 किलोमीटर तक का हिस्सा है उसको बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें भारत को पूरा अधिकार होता है, यहाँ के क्षेत्र में क्या है पूर्ण रूप से अनन्य अधिकार होता है। उसके बाद जो प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद जो दूसरी लाइन आती है उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। इसकी क्या विशेषता होती है कि यहाँ जो है भारत को जो है जो कर वसूली का अधिकार होता है, जो जितने भी प्रकार के जो माल जहाज निकलते हैं उनसे क्या है भारत यहाँ पर कर वसूल सकता है। और उसके बाद जो ये 200 नॉटिकल मील का एरिया होता है ये किसी देश की जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भारत जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या है दोहन कर सकता है। यहाँ पर अपने देखें तो इधर जो मुंबई है और मुंबई के आगे जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है भारत का वहां पर जो है मुंबई हाई क्षेत्र है जो तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादन है, तो वो भारत के इसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। इसी काम जो है भारत जो है यहाँ पर जो तेल का खनन कर रहा है। और दूसरा एक चीज आपने नोट की होगी जब भी भारत का नक्शा बनाया जाता है तो उसमें श्रीलंका का नक्शा जो है आवश्यक रूप से साथ में दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये लगभग यहाँ तक आता है, तो ये किसी भी देश के लिए बाध्य होता है कि जब भी वो अपना नक्शा दर्शाएं तो उसमें अपना जो एक्सक्लूसिव जोन है उसको भी वो क्या है दिखाएंगे। तो इसका जो है जो श्रीलंका का नक्शा उसको भी जो है भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। अगर अपने अगस्त 2019 की बात करें तो उसमें जो है भारत के अंदर जो है 29 राज्य एवं जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में हम जानते हैं कि अगस्त 19 में घोषणा हुई, जो घोषणा जो है अक्टूबर 19 के अंदर जो है प्रभावित हुई। इसके तहत क्या किया गया कि धारा 370 समाप्त कर दी गई और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको जो है जम्मू और कश्मीर जो राज्य था उसको दो संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो J&K संघ शासित प्रदेश और दूसरा जो है लद्दाख संघ शासित प्रदेश। तो इस प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर यानी अक्टूबर 2019 के अंदर भारत में राज्यों की संख्या होगी 28, क्योंकि एक तो राज्य कम हो गया और जो केंद्र शासित प्रदेश थे दो नए बन गए, तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 9। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जनवरी 2020 के अंदर जो दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या स्थिति है कि भारत में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या है भारत में वर्तमान स्थिति है। और हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है राज्य वो राजस्थान है
और वही बात की जाए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य के तो वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से गुजरती है। हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है गुजरात, ये जो रेखा वो यहाँ से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहां से, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और उसके बाद जो है मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में ये कर्क रेखा गुजरती है और हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये क्या डिनोट करती है, ये यह बताती है कि कर्क रेखा से नीचे का जो हिस्सा होगा वो तो होगा उष्ण कटिबंध और इससे ऊपर का जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा शीतोष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार देखा जाए तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांट रही है, जिसमें एक जो है नीचे का भाग हुआ उष्ण कटिबंध और ऊपर का जो भाग है उसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो 8 राज्यों से इनसे जो है गुजरती है। अगला हमारा एक नया जो है खंड जो है प्रारंभ हो रहा है भारत के भूगोल के अंदर का, वो है भारत के भूगर्भिक संरचना, यानी जो वर्तमान भारत हम देख रहे हैं इसका जो निर्माण है किन भूगर्भीय घटनाओं के द्वारा हुआ है। तो इसके अंतर्गत अपने देखें तो भूगर्भिक यानी जियोलॉजिकल दृष्टि से भारत को किन 3 भागों में बांटा गया। जब जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो भारत को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत की सबसे प्राचीन संरचना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उस पर क्या है ये प्रायद्वीपीय पठार पहले से विद्यमान था, बाद में जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब जो है हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो काफी जो है नया है। और बात करें तीसरे यानी कि विशाल मैदान की, ये तो क्या है बिल्कुल ही नहीं, क्या है स्थलाकृति है। यानी इस प्रकार देखा जाए तो भारत का जो भूगर्भिक जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर भारत को 3 भागों में बांटे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद जो है कुछ नया है वो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और सबसे नवीन जो भारतीय संरचना वो आपका उत्तर का विशाल मैदान, जिसका निर्माण जो है नदी द्वारा लाए गए जो जलोढ़ पदार्थ है उनसे हुआ, और ऐसा नहीं है इनका निर्माण अब जो है इनका और इनका निर्माण क्या वर्तमान में भी क्या है जारी है। अगला हमारा प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार भारत की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है, जिनका निर्माण कैसे हुआ है, दरारी उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी से हुआ है। इसकी भूगर्भिक संरचना में चट्टानों के कुल जो है 6 क्रम पाए जाते हैं और आपको ये लिखना है कि ये 6 क्रम कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो क्रम है वो है आर्कियन क्रम, ये जो चट्टानें होती हैं इनमें क्या है जीवाश्म नहीं पाए जाते और ये प्रारंभिक चट्टानें यानी सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, भारत में जो जितने प्रकार के जो खनिज होते हैं वो सभी इन्हीं चट्टानों के अंदर पाए जाती है, यानी खनिज की दृष्टि से जो बहुल्य जो चट्टानें वो आपके हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनमें भी क्या है जीवाश्म नहीं पाए जाते। और चौथी है विंध्यन क्रम, इनमें जो है बलुआ पत्थर जो है बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और पांचवा आता है सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टाने। ये चट्टाने महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का जो 98% जो कोयला है वो इन्हीं चट्टानों के अंदर, यानी जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने उन्हीं के अंदर जो है पाया जाता है। और अंत में आपका है दक्कन ट्रैंक, जो मुख्यतः जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो इसी दक्कन ट्रैंक के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण जो है लावा से हुआ है और इसका ये क्या है एक पठारी भूमि है। अगला हमारा क्वेश्चन है भूसनदी सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जिसके अनुसार हिमालय के निर्माण 33 भूसनदी से हुआ है, किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो सिद्धांत है ये लियोपोल्ड कोपर ने दिया है। कोपर ने क्या कहा, कोपर ने ये कहा, उससे पहले अपनी ये पढ़ लेते हैं कि कोपर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य 33 भूसनदी स्थित थे। बाद में भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट की ओर गति करने से तेथे सागर में अवसादों में गलन पड़ने से क्या हिमालय का निर्माण हुआ। अब आप सुनिए ये इधर कौन सी है यूरेशियन प्लेट की तरह, इधर जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन ये प्लेट है। हम जानते हैं जब हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें वैगनर ने यह बताया कि संपूर्ण जो महाद्वीप है वो पहले क्या थे एक स्थल खंड थे, बाद में इनमें क्या है सबसे पहले विभाजन हुआ। तो ऊपर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, और इनके बीच जो खाली जो कुछ जो स्थान था वहां एक भूसनदी स्थित थी, जिसको क्या नाम दिया गया 33 भूसनदी। भूसनदी वास्तव में क्या होती है कि लंबे संकरे और छिछले जलीय वाले भाग होते हैं, यानी बहुत ही ऊंचाई जो जलीय जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इनकी गहराई नहीं होती, और यहाँ बहुत सी नदियां आकर इसमें क्या है
अवसाद जो है जमा करेगी। जब ये भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ जो आई और बाद में क्या यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ जो टेथिस भूसनिधि थी उसमें जो जितने प्रकार के अवसाद थे वो क्या आ गए, बाहर आ गए, और इससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो सिद्धांत है लियोपोल्ड कोपर ने दिया था, और उसमें ये उन्होंने टेथिस भूसनिधि से क्या बताया कि भारतीय भारत का जो उत्तर का जो विशाल पर्वत है यानी जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति उन्होंने किससे बताई थी, इसी टेथिस भूसनिधि से जो है बताई थी। अगला हमारा प्रश्न है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प जो चार कल्पों के अंदर जो है बांटा गया है, पृथ्वी को जो है बांटा गया, तो उसमें जो तीसरा कौन सा है, सेनोजोइक महाकल्प है, इनके किन कालों के अंदर जो है हिमालय का निर्माण हुआ। हमें पता है हिमालय का निर्माण तीन चरणों में है, सबसे पहले तो सबसे जो बड़े वाला हिमालय यानी विराट हिमालय उसका निर्माण हुआ इओसीन और ओलिगोसीन काल के अंदर, लगभग जो आज से 6 से 4 करोड़ साल पहले। उसके बाद जो है लघु हिमालय का निर्माण हुआ, इसका निर्माण जो है 2 करोड़ साल पहले मायोसीन कल्प के अंदर हुआ। और तीसरा और सबसे अंतिम जो सबसे नवीन हिमालय जिसको बोला जाता है खंडित हिमालय भी इसको बोला जाता है, उसका निर्माण हुआ प्लायोसीन काल के अंदर, लगभग जो है 1 करोड़ वर्ष पहले। तो इस प्रकार जो ये तीनों हिमालय इनका निर्माण इओसीन ओलिगोसीन मायोसीन और प्लायोसीन काल के अंदर हुआ, और ये किसके अंदर आते हैं, सेनोजोइक महाकल्प के अंदर आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण नियोजित महाकल्प यानी कि जो चतुर्थ जो महायुग है कि किन किन कल्पों में हुआ। तो जो इस काल के जो प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन जो कल्प है उनके अंदर इस जो उत्तर का विशाल मैदान है उनका निर्माण हुआ, इसकी जो अवधि है वो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व के, और ऐसा नहीं है ये निर्माण अभी पूर्ण हो गया, अभी भी ये निर्माण क्या है चल रहा है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो भारत के सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना, क्योंकि अगर देखा जाए भूगर्भिक संरचनाओं का इतिहास में तो सबसे पहला स्थान आता है प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे पहले बना था, उसके बाद जो है उत्तर के विशाल मैदान का, सबसे अंत में आपका दूसरा जो दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का जो विशाल हिमालय, और तीसरे नंबर पर आपका आता है उत्तर का विशाल मैदान जिनका निर्माण वही जो है 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और ये निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां इनके द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप है उनसे उत्तर का विशाल मैदान बना है। आगे एक खंड जो है भारत का भूगोल का जो एक खंड है वो प्रारंभ हो रहा हुआ है भारत के भौतिक विभाग। तो अगला प्रश्न है भारत को कितने भौगोलिक खंडों में बांटा गया। हम जानते हैं भारत को जो है 6 भौगोलिक खंडों के अंदर बांटा गया है। 6 खंड कौन कौन से, सबसे पहले है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसका निर्माण जो है भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है, और ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ये क्या बलित पर्वत है, तो यहाँ से लेकर इधर नेपाल होते हुए और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो मैदान है ये गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित हुआ। तीसरी जो स्थलाकृति वो है थार का मरुस्थल जो मुख्यतः जो राजस्थान में पाया जाता है और पाकिस्तान में इसको जो चोलिस्तान भी बोला जाता है, तो यहाँ जो है कई शुष्क दशाएं पाई जाती है। चौथे नंबर पर आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का सबसे बड़ा जो है भूगोलिक खंड है जिसका निर्माण जो है जरारी प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ। पांचवें स्थलाकृति में वो है तटीय मैदान, इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक का पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे पश्चिमी तटीय मैदान। इन सभी के बारे में अपने जो है आगे जो प्रश्न है उन पे बात करेंगे। और अंतिम आपका है द्वीप समूह, द्वीप समूह भी भारत में दो भागों में बांटा जाता है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार जो है भारत की 6 जो भौतिक खंड है उसके अंदर भारत को जो है बांटा गया है। इन सभी भौतिक खंडों पर आगे जो हमारा प्रश्न होगा और आगे की वीडियो होगी उन सभी में हम इनकी जो है विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।